हेलो फ्रेंड, मैं दीपक उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स। तो फ्रेंड, आज हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं बंधन बैंक शेयर का टेक्निकल एनालिसिस। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं बंधन बैंक स्टॉक में आज के दिन बड़ी गिरावट देखने को मिली। यहाँ पर लगभग 2.5% की गिरावट के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। तो फ्रेंड, इस गिरावट की वजह क्या है टेक्निकली वह भी जानेंगे, साथ ही ये गिरावट कब तक कंटिन्यू हो सकती है इस पर प्रिडिक्शन लगाने की करेंगे कोशिश। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप देखिएगा, आपके सामने यहाँ पर जो चार्ट प्रेजेंट किया गया है यह डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट, यहाँ पर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो जो रेड कलर की लाइन है यह 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन। यहां पर आप देखेंगे एक ब्रेकडाउन आपको दिखाई दिया था और बहुत बड़ी तेजी से गिरावट हुई थी। देखिएगा और गिरावट कहां तक लाई थी स्टॉक को, यहां पर आप देखेंगे लगभग लगभग आप देखेंगे तो 245 रुपए के आसपास की गिरावट आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। फिर स्टॉक धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ चलता है, लेकिन फिर से हमने क्या देखा, 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जो लाइन है इसने इसे रिजेक्ट कर दिया, ये देखिएगा। फिर स्टॉक ऊपर गया, ब्रेकआउट भी लिया, लेकिन इस ब्रेकआउट ने भी सस्टेन नहीं किया। फाइनली फिर से स्टॉक आपको नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दिया और इस बार जब स्टॉक गिरा है तो ये गिरावट सीधा स्टॉक को कहाँ तक लाई, 220 रुपये के भी नीचे, लगभग 210 रुपये तक। फिर से स्टॉक के अंदर यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिलती है और इस तेजी का हमने देखा साइडवेज मोमेंटम स्टॉक ने किया और इस साइडवेज मोमेंटम के साथ ही स्टॉक एक बार फिर नीचे की तरफ गिरता है लगभग 180 रुपये तक। ये देखिएगा, यहाँ तक की गिरावट होने के बाद स्टॉक आपको फिर से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। ऊपर कहाँ तक गया, ये जो रेड कलर की लाइन है यहाँ पर आप फिर से देखिएगा 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन तक स्टॉक आपको जाता हुआ दिखाई देता है। कंसिस्टेंटली तेजी थी, लेकिन यहाँ पर आते ही रेड कैंडल बनना क्रिएट हो गए और यहाँ पर धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली। और आज अगर आप देखें तो सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, स्टॉक फिर नीचे आया। कहाँ तक गिर सकता है ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिलहाल मैं आपको कहूँगा अभी आपको अवॉइड करना है बाइंग को। यदि गिरावट भी होती है तो लगभग 200 रुपये के नीचे भी आपको स्टॉक आता हुआ दिखाई दे सकता है। उसके बाद यदि कहीं रिवर्सल दिखेगा तो फिर से वीडियो पोस्ट करूंगा और आपको बताऊंगा कहां आपको बाइंग करना है, या फिर इस स्टॉक के अंदर आपको ये 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर यदि ब्रेकआउट मिलेगा तब भी हम बाइंग कर सकते हैं छोटा स्टॉप लॉस रख करके। लेकिन अभी यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं हुआ इसलिए उसके लिए भी अभी हम कुछ भी यहाँ पर चर्चा नहीं कर सकते। यदि ब्रेकआउट होगा उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा। गिरावट होने के बाद यदि कोई रिवर्सल आता है तो फिर से एक वीडियो पोस्ट करके आपको यहाँ पर रिकमेंड कर दूंगा कहाँ पर स्टॉप लॉस और कहाँ पर आपको टारगेट रखना चाहिए। अभी जो गिरावट का कारण वो सिंपल है, यहां पर 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है इसने इसे रिजेक्ट कर दिया, इसी कारण से हमें यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड, ये था हमारा टेक्निकल व्यू बंधन बैंक शेयर को लेकर के। इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को अभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।